जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी पुलिस विभाग की तरफ से कांस्टेबल के पदों पर निकाली जा रही है। और बता दें, इसमें बता दें, जो वैकेंसी निकली हुई है केवल जम्मू के भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के अगर अप्लाई करना चाहें तो भूतपूर्व सैनिक नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जनरल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें काफी वैकेंसियां हैं, 4022 पदों पर वैकेंसी हैं। और बता दें कि इसका जो सैलरी इसमें दी जाएगी, पे लेवल 2, 19,900 से 63,200 रुपए। तो ये काफी ज्यादा वैकेंसी आपको मैं दिखा दूं, काफी दिनों बाद ये निकली है। ये जम्मू कांस्टेबल जेंड के आर्मर्ड यूटी कैडर की जो वैकेंसी है, 885 टोटल अगर देखें, 1689 वैकेंसी हैं और इसमें सभी कैटेगरी को अलग अलग दी गई हैं। इसके बाद कांस्टेबल की दूसरी ओर वैकेंसी 100 वैकेंसी है, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की 502 वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर टेली कम्युनिकेशन की 20 वैकेंसी है, कांस्टेबल फोटोग्राफर यूटी कैडर की 22 वैकेंसी है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन कैडर जम्मू की 1249 वैकेंसी है। तो काफी वैकेंसी है। और इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन कैडर कश्मीर की 440 पोस्ट है, टोटल 422 पोस्ट हैं। ये सर्कुलर अभी जारी किया गया है और बता दें इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों और वुमेन का कितना कोटा रहेगा। इसमें एक्स सर्विसमैन का जो कोटा रहेगा वो 6% एक्स सर्विसमैन का कोटा रहेगा। 6% का मतलब है कि 100 में 6 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों की हैं और टोटल वैकेंसी 4022 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो काफी ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। बता दें ये अभी सर्कुलर जारी हुआ है, अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और बता दें ये सर्कुलर जो जारी हुआ है, ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से 19/2/2024 को, यानी कि 19 फरवरी को जारी किया गया है। अब इसका फाइनल नोटिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट निकालेगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसका मैं डिटेल वीडियो एक और बना दूंगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।